सुनो 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 सुनो, मैं आ गया हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। ए, चुप करे मैनेजर। साउथ इजी ना। ए सुनो, पहले मेरे को बताओ सब कहाँ पे स्पॉन लिए। अरे भाई रुक जा, मैं ले लिया स्पॉन, मैं ले लिया भाई, मैं ले लिया, मैं भी ले लिया, मैं हूँ। एक ये क्लिप सा दिख रहा है, एक बड़ा सा क्लिप है वहाँ पे। ओके मैं भी गई तो आ गया। एक काम करो सारे ना उस पे आ जाओ। तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? अरे भाई अभी गेम शुरू नहीं हुआ, बारिश चालू हो जाती है। ए सुन 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 सुन, बिजली कट गई, मेरी गांड फट गई। ओ भाई वो क्या है? हाँ हाँ बस उधर उधर। और भाई यहाँ पे ना वो ब्लू कलर के रैप्टर है और उनके ऊपर वो छपरी से बाल है उनके, उनसे संभल के मेरे को मालूम नहीं, वो डैमेज कर देगी। मैं सुन, मैं आ गया, कोई तो दिख गया। इधर 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 अब ट्राइब में आ, ट्राइब में आ रहा है यार, ये लोग पीछे पड़ गए सारे। भाई बंदे ढूंढने में एक घंटा लग जाएगा भाई इस गेम में यार। मत ले गया, ए ट्राइब एक्सेप्ट किया क्या तुमने? नूब हो भाई तुम, रुक जाओ यार, रुक जा, ए रुक जा। अरे यार सुन सुन, इनको हाथ से मारो भाई, इनसे क्यों डर रहे हो तुम लोग? इधर आओ, हाथ से मारो इनको। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इनसे डर रहे हो भाई? भाई मार देंगे यार, मजाक नहीं भाई, मार देंगे। इनको हाथ से मारो भाई, इनसे क्यों डर रहे हो तुम लोग? इधर आओ। रेड नहीं ब्लू, अबे ग्रीन ड्रॉप पे बोला मेरे भाई। हाँ हाँ हम इधर ही, आ जाओ जाओ, मैं हूँ इधर ही ग्रीन ड्रॉप के पास। अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई, ये चोर बंची सारी। ए कौन भाग रहा है? रुक रुक, जो भी भाग रहा है रुक जा। ये कौन है? रुक रुक रुक, अरे रुकना बेटी चोर, कौन भाग रहा है ये? देखो आ गया, देखो आ गया, देखो आ गया। ए सुन लड़ो मत उससे, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत। ओके अपने पास कौन कौन है? अपने पास आर्यन है, डेकू है, ये कौन है, केवाईटी है, और कौन है? अबे लेकिन वो अपने पास तो आने चाहिए, और वो आर्यन का है। बेड पे हमको आना पड़ेगा, बेड के पास आना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, तुम किसी सेफ लोकेशन पे जाओ, हम तुम्हारे पास आते हैं भाई, ये ज्यादा बेटर है। यहाँ से चल भाई पहले। ए इधर आओ जल्दी। अरे मेरे पिछड़े भाई मिल गए, तो आ जाओ भाई। स्टैमिना खत्म हो गया, वो खाना चाहिए भाई। इतना डिफिकल्ट क्यों बना देता है यार ये? ए इसको मारने दे, रुक जा, ये बहनचोद बहुत इरिटेटिंग है। भाई बोला करो यार, नहीं यार ये चोरी कर लेगा मेरा सामान। भाई सुनो सब लोग ना, सब लोगों सामने वाले आइलैंड पे आओ, पहले कुछ डिस्कशन हो जाए। और भाई जिसके पीछे लगा है ना, मर जाऊंगा, मेरे को खाना चाहिए, मैं मर जाऊंगा। मर जा, हड्डी टूट गई। चल 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 कोई बात नहीं, चल 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 चल, दे रहे मैं तेरे को खाना देता हूँ। मैं मर जाऊंगा, मैं मर। अबे इसको चुप कराओ बे। मैंने एक बेड लगा दिया है, ठीक है, मैंने एक लगा दिया, अब इस पे कौन स्पॉन ले पाएगा आई डोंट नो। बड़ा बड़ा रखो यार, ये नहीं होगा। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तुम सबको स्पॉन करा रहा हूँ। एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, मार मत। अरे मार मत यार, रुक जा। अरे मैं मिथिल 7 लेवल हो चुका, मेरा खुल चुका, खोल लूँ क्या? जैश मेरे भाई, वो मेरे भाई वो ऑनलाइन आता है इसी जगह, तू मार दिया वो स्पॉन लेना पड़ेगा उसको मेरे भाई। अच्छा वो ऑफलाइन था, मेरे को लगा डेड बॉडी पड़ी है। और ये कौन है जिसने अबे तुम उठाते क्यों जब वो ड्रॉप करता है तो? अबे अलग नूब है यार बंदे। अबे नमूने मिले हैं भाई, ये क्या बोलते हैं, डेकू पता नहीं अपना ही अलग टाइमिंग में रहता है। वो जीके को कुछ मिल नहीं रहा, वो आर्यन किसी को भी मारते रहता है, वो बहन के लड़के को देख, वो पानी के अंदर जाके प्रोन होने की कोशिश कर रहा है भाई वो। और ये जेपी तो पता नहीं 10 बार मरते रहता है। अरे बहन चोद, इधर गांड फटते फटते तो साथ में बात करने आए, तुमको सुनना नहीं उसमें भी मेरा। ये बात ध्यान से सुनो, कैमरा एंगल कैसे चेंज कर ले? गाइस गाइस फाइनली हम द सेंटर में आ चुके हैं, और फाइनली एक घंटा गांड किसने का था, हम एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली चीज हमारे पास हमारा बेड है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास हमारा बेड है अभी, तो अगर हम मरते भी है तो हम इस बेड पे स्पॉन लेंगे। सब लोग अभी जाके अपने लिए एक एक हैचेट बनाओ, एक एक पिकैक्स बनाओ, फिर हम हमारे घर पे काम। ये देखो ये देखो, हाँ तो जो नहीं बच, मारो मत यार, बाद में मर के वहाँ जाएंगे और वहाँ से चीजें कलेक्ट करके लाएंगे। फिलहाल के लिए यही पे रहते हैं भाई, ना मेरी औकात है और मेरी टीम में भी। जैश जैश को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो नूब है भाई। मैं भाई टीम लीडर रहूंगा, मैंने ओवरसीयर को मारा है। जैश आ जा, जैश आ जा, आर्यन जैश मेरे साथ आ जा। बॉयज मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, तुम दोनों। मैं नहीं मार रहा, मुझे बहन लौड़ा पानी के अंदर, उसकी आंखें देख कैसे चमक रही है। फक भाई कहां से मिली है? देखो पहली चीज तो इन चीजों से सेफ रहना जो मारेंगे, और क्या बोलते हैं, सब लोग फार्मिंग कर लो पहले जितनी है। क्या लगेगा मेरे को उसके लिए? टोपी टोपी
अरे पहले वो तो अटैच कर लो। हाँ मैं हम लोग वही कर रहे हैं। वो पंछी है जैश, पंछी है साइड में, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। और मैं क्या बोलता हूँ यही पे ना एक बेस भी बनाते हैं, आजू बाजू में स्पाइक वॉल बना देंगे, मरेंगे तो सामने स्पॉन ले लेंगे। कितनी मदर चूत है भाई। अरे नहीं स्पाइक वॉल वगैरह रहेगी, कैसे कोई अपने को मार सकता है बता फिर। कोई रॉ मीट खाने से हेल्थ जाती है क्या? अबे रॉ मीट नहीं खाते मेरे भाई, रॉग नहीं खाते, कुक करना पड़ता है मेरे बाप। तू तो अलग ही गेम खेलता है भाई। जस्ट तू भाई पहली बार नहीं, वो जनरली पहली बार खेल रहा है, वो तो पता चल गया है। इधर अजाश, इधर तेरे को डोडो टेम करवाता। इधर आ, व्हाट द फक, जीके उधर दूर भागियो। जाश इधर आ, इधर इधर आजा, इधर आ, इधर मेरे पास आ। इसको पंच कर, ठीक है पंच करियो इसको। अबे लेट के पंच नहीं करते। हट जा, हो गया नॉक हो गया। अब इसके अंदर बेरीज डाल, समझा? मैं क्या फिर भी डोडो टेम पे क्या करेंगे? अरे उसको करवा रहा, उसके लिए एक ऐसे कंपेनियन वो और जाए, वो दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे और क्या, वो देख लेंगे। मैं डोडो की लूंगा भाई। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है बहन के लोड़े। ए आर्यन ये देख, मैंने इधर ये बना दिया, इसमें डाल देना क्योंकि यहाँ से तो चोरी होगा नहीं। बेरीज अपने पास रखना बस, ये चीज़ कोई। हाँ यहाँ पे बॉक्स बना देना। ये वही किया चेक करना। नाइस, अब ये तेरे को फॉलो करेगा। अब इसको लेके मर मत जाना बस, वो भी मरेगा तू भी मरेगा। और व्हाट द फक उसका नाम बदल भाई, ऐसा रख भाई। मैं क्या बोलता हूँ, जैसुन सुन मेरी बात भाई, ऐसा नाम रख उसका कि इस जर्नी में लोग याद करेगी, जैश और फलाना ठिमकाने की जोड़ी लोगों को याद रहनी चाहिए, समझ रहे? अच्छा, समझ रहे? अच्छा, ऐसा नाम रख भाई। ऑप्शंस में जा एंड चेंज नेम पे जा। अरे मिथिक भाई वो इसका नाम रखूंगा मैं, मेरी एक्स का नाम नहीं। पागल, रुक जा, मैं बना रहा हूँ बो, ठीक है? मैं पहले एक बो बना रहा हूँ और एरोस। देखो सुन, मेरी ध्यान से बात सुन, फ्लिंट्स कलेक्ट कर, देखो जितने हो सके फ्लिंट कलेक्ट कर, अपन एरो एंड बो बनाते, ठीक है? ये ले कुछ एरोस दे रहा हूँ मैं, देखो ठीक है? वो मेरे पास ये है, देख तू ये ले, यूज वाइजली, ओके? ज्यादा वेस्ट मत करना, उठा उठा एरोस ड्रॉप किए। देख ये ले, देखो इधर आ, देखो इधर आ, उसका मत तेल ले बना, ये तेल ले रख, ठीक है? मैंने प्रिंट वहां रख दिया। इस सुन जैश, एक काम करियो, वुड्स कलेक्ट करके लेके आ, नहीं फ्लिंट कलेक्ट करके लेके आ। एक कैंप फायर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तब तक रुक जा, ताकि हम लोग यहीं पे मीट बीट्स ले सके, हम लोग भूख से ना मरे। एक और बेड लगा देना यहीं पे। हाँ मैं वो कोशिश करता हूँ ना, हाइट नहीं मेरे पे। रुक जा मैं हाइट लेके आ, रुक जा, मैंने एक कैंप फायर लगाया, ध्यान से सुनना अभी मेरी बात, ठीक है? कैंप सुन, और एक मैं एक टिप देता हूँ जैश, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम में से किसी को पंछी मारे तो टॉर्च से अटैक करो, उसको आग लग जाएगी तो ज्यादा डैमेज पड़ेगा। एक टच भी मारेगा तो उसको आग लग जाएगी। ये पता ही था जैश को? नहीं वो नहीं पूछते, वो न्यू है यार बेचारे को, क्या पता होगा। ओके सो नाउ हमारे पास एक कैंप फायर है, उसमें खाना बन रहा है, हमारे पास कुछ स्टफ है, सो आई थिंक इट्स टाइम कि हम एक छोटू सा घर बना ले यहाँ पे। और रुक जाओ, बोलाज आई डोंट थिंक मैं अभी बना सकता हूँ। अरे इधर ले गया, इधर ले गया, दो चार बेड लगा देंगे ना, सब यहाँ पे स्पॉन ले पाएंगे। जल्दी हाइट ले गया, मेरे पे 15 है बस। डेगू दे हाइट, दे हाइट रख दे, देखता। ओके भाई बहुत हाइट है भाई, काम हो जाएगा इसमें तो। रुक जा, एक और दो, ठीक है? दो बन रहे प्लस फाउंडेशन कुछ बना लेता हूँ। रुक जा, इधर इधर कोई पैरासोल नहीं है, और 140 फुट है। ए सुन, जैश देखो, चलो पैरासोल टीम करके आ देते हैं, हां ठीक, चलो। मेरे को ये करना है, मेरे को स्पीयर बनाना है। स्पीयर दिया तो थे मैंने तेरे को? नहीं दिए थे, मैं दिए थे तू उठा ही नहीं। रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को क्या बनाना है, रुक जा। वुडन क्लब बना दे जल्दी, हो जाएगा। बना रहा कि बनाओ? रुक बना देता। अरे हम लोग उधर है ही नहीं, तू आइलैंड पे कौन जाने बोला तेरे को? हम लोग इस साइड है जहाँ ग्रीन ड्रॉप था, मतलब बार बार आइलैंड के सामने वाली साइड। मैंने टीम भी बनाया, हां मेरे भी एक सेल बनाया है क्या? हां तो वो मेरे डोडो टीम हो गया, मेरे डोडो टीम हो गया। देखो 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 ये कर, हां गिरा, नॉक कर, ये फेंक उस पे, इसको बोल जैश, मार 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 मार, गिरने तक मारना, ठीक है? जल्दी गिर देगा, ज्यादा मत मारना। हां रुक रुक रुक, अभी एक मारो, एक एक करके मारो। हो गया हो गया, नॉक हो गया, नॉक हो गया, इजी इजी। मेरे जो बेरीज है मेरे पास, बेरीज डाल दो, एफिशिएंट से देख लो इसको। ये पंची को टेम करते हैं, ये हां पंची को कोशिश कर सकते हैं भाई। ए बोला कर दी बट वो उड़ गया। आ लंड मेरा, वो देखो चोरी कर लिया भाई जीपी से भाई। कर बोला, देखो कहां है, बोला कर देखो। अरे वो मेरे पास है, मैं करूंगा ना।
अरे तो भाई गांड मारे बॉयज आइए निकालो एरोज निकालो इसको खत्म करो भाई इसको खत्म करो ये ऐसे नहीं जाएगा एरोज लो एरोज लो एरोज लो अरे रुको रुको टीम करते ठीक है पक्का होगा एक ट्राई कर ट्राई कर ट्राई कर भाई बोला नहीं कर भाग गया वो बॉयज एरो मारो नहीं है अबे हाँ जिनके पास है वो मारो अरे बोला मिल गया अबे यार तेरे वो उसको मार देगा यार अरे यार वेस्ट हो गई वो मार डाला भाई बहुत सही अरे बहुत सही सब मत मारो कोई एक मारो डैमेज पड़ता है तुम इतने नूब कैसे हो सकते हो हमार आर्यन तू है किधर बे ए डेकू 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 बोला है वो देखो बैठा हुआ है उसको पढ़ते जल्दी जल्दी मेरे साथ वो देखो बैठा गिरा जल्दी फेंक भाई तू बहुत नूब है डेकू तू बहुत नूब है और कुछ नहीं भाई अबे तू गोल गोल फेंकने में ही तेरी जिंदगी चली जाती है टेम कैम भाई ये दे रहा है बेस को डेकोरेशन ले ले करके लेके आजा करके लेके आजा करके लेके आजा ये अपना अबे अपना पैरासोल टेम हो गया जाश उसको बेस पे लेके आइयो पानी के आसपास ही रखेंगे ठीक है वो नहीं पता फिगर आउट करके देख भाई अपने को आईडिया नहीं ओके सो यहाँ पे हमारे बेस का एक प्यारा बेस बन रहा है मतलब बेस का बेस बन रहा है अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या जैसे काम कर पैरासोर का सैडल बना बना दिया हाँ लगा तो लगा उसको लगा दे खुश हो गया भाई वो यहाँ पर टेक पैरासोल है मारू क्या ओ भाई क्या मस्त आ रही है वो बना दो यार चुपचाप टेलीपोर्टर को बोलना चाहिए इसको पता नहीं क्या खुशी होती है टेलीपोर्टर के लिए ऑप्शन वो पॉलीमर तू देगा के ओ ये कोई पल्स छोड़ दे अरे ये इसने पैरासोल को पल्स से छोड़ वो डिटेक्ट करता है कि दूर में एनिमी है कि नहीं अपने आसपास और ये रोर भी करता था ना ये रोर कैसे करता है हां सी से करता डेकू 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 वॉल्स बना एस प्लस की वॉल्स बना वुड वाली हां बना रहा हूं हां हां तू डालने का काम कर मैं ले लूंगा मैं यहां पे बना रहा हूं बेस रुक जा बस होने वाला है अरे ये लोग बेस बना रहे हैं तुमको अपना काम करना है तुम लोग अपना फार्मिंग करो हम यहां पे बना रहे अरे इसमें रिसोर्सेज ही नहीं है इसलिए नहीं बोल नहीं हूं हां तो वाह क्या होशियार है रे तू अरे सीलिंग शी है अभी सीलिंग शी है वी आर वेरी क्लोज गाइस भाई शुरुआत के लिए बक्सा ही है बस एक समझ ले इससे ज्यादा नहीं बनेगा मैंने पल्लेदारी की आपको 150 रुपए उधार दिए बराबर है भाई सुन फाइबर्स नहीं है फाइबर्स लेके आना फटाक से फाइबर्स लेके आ फाइबर जल्दी से जितने अच्छा फाइबर ये एक तो बेंच है इसने आधी आधी बुशेस तो इसने उड़ा दी भाई सारी अरे वो भाई कब पता नहीं कब आएगा ओ इसके अंदर बेरीज बहुत सारी और वुड है थोड़ा थैच भी है भाई बेरीज दे दे भाई खाने में बड़ी काम आएगी ये पैरेट अबे ए वाओ ये मेरे को चाहिए ये रैप्टर की पैरासोर मेरे को नहीं पता बट टक टूट देगा तो क्या इधर ला तेरे लिए नहीं है तेरे लिए नहीं है वो इधर ला मारते मेरे को देना मेरे को यूज तो करने दे भाई यूज तो करने दे सो थैरी है थैरी भाई कहां जा रहा है यार ये अरे इसे मारते यार एक वाले ये बात करता है ये हेलो बोलता है सच में नाइस आई लाइक इट मार देगा प्यारा लग रहा है अबे कौन है भाई जो कार्बोनियम इसको डैम किया है और वो यहां पे छोड़ दिया है वो बंदा अच्छा उधर बैठा हां वो बैठा है यार यहां पे भूल गया भाई मैं भूल उसको लेके जा बेस पे मिथिक टू का मैं बेस बना रहा हूं ये ऑलमोस्ट वी आर डन हाय लुक एट मी हां कुछ मोड ला रहा हूं फटाफट स्पीड बना रहा हूं तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा भाई पैरेट ला इधर मैं ट्राई करता हूं देखो कैसे गिरा थे डबल एफ दबा डबल एफ हटो मिटू इधर आ मदर चोर बट देखो पता है अगर मैं इसके से छोड़ दूंगा ना सो नहीं ये तूने फॉलो नहीं करा ना फिर ठीक है चलो नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं ओ भाई फाइनली हम पे अभी कोई अटैक नहीं करेगा भाई अरे यार फिर लगा के एक मूड खराब कर दिया अलग ही खेल रहा है भाई कोई टॉर्च बीच में डाल दे यार दिख नहीं रहा अबे पूरा गेम खत्म हो गया तू आ ही रहा है भाई आपने बेस बना दिया भाई वो टॉर्च ब्रॉच ओ रुक रुक बंद कर जुगनू है यहां पे रुक के बंद कर टॉर्च हटा हां कहां है
अरे हाँ दस सेंटर में जुगनू होते हैं भाई, कुछ दिख नहीं रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। टॉर्च लगा दो भाई, कोई टॉर्च ड्रॉप कर दो। एक हाथ में पकड़ा, राइट क्लिक दबा, क्या? अरे रुक जा रुक जा रुक जा बॉयज, एक सेकंड रुको, ये चीज कर भाई, राइट क्लिक दबा दे जश। अब डर इतने टॉर्च पे, अबे यार टॉर्च उठा, टॉर्च उठा, टॉर्च उठा, हटो और बीच में से हटो, बीच में से हटो, बैठ जा बैठ जा, अपनी अपनी सीट्स ले लो। पहले बीच में से, हाँ चलो सही है, वो बाजू में बैठ गया, बढ़िया। गाइस गाइस फाइनली फाइनली हमने हमारा जो घर है वो बना दिया है, अब हमारे पास कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है? अभी हम लोग आराम से सरवाइव कर पाएंगे, ना हमें कोई मार पाएगा। पोपट तेरी माँ की, चुप, दो मिनट चुप रहे। अभी फाइनली हमने हमारा जो गोल था उसे तो कंप्लीट कर लिया है, तो अब से हम लोग आराम से बहुत प्यारे डायनोस की टीमिंग करेंगे। तुम सोच नहीं सकते इस सीरीज में, तुम सोच नहीं सकते इस सीरीज में द सेंटर में ऐसे ऐसे डायनोस से हम चैलेंज करने वाले जो आज तक तुमने सोचे नहीं होंगे। कोई बहन का लोड़ा नया डायनो स्पॉन हुआ। हुआ ये कि हमारा जो बॉयज हॉस्टल था ना जिसमें मैं रहता था, तो वो उसका लाइक हमारे दो हॉस्टल होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि एक हॉस्टल पूरा भर जाता है फिर दूसरा ओपन करते रहे, बट हमारा जो हॉस्टल का था तो उसका जो टॉप फ्लोर था, जो फिफ्थ फ्लोर था, वो पूरा खाली था, उसके ऊपर किसी को रूम नहीं दी गई थी, और उसके बाजू वाला जो हॉस्टल है वो भरा था, तो मतलब वो पूरा हॉस्टल भरा नहीं था और फिर भी दूसरा हॉस्टल दे दिया गया था। तो ये हमको बाद में पता लगा कि ए डोर गुर रहा है, अरे बेच देते हैं व्हाट द फक भाई। हमको ऐसे दिखा नहीं ना, बट हमने कुछ फील करा था। तो हुआ ये कि वो फिफ्थ फ्लोर का हमको स्टोरी पता लगा कि किसी लड़की ने वहाँ पे सुसाइड करा था। जो हमारा हॉस्टल था वो गर्ल्स हॉस्टल था पहले, और लड़कियों को ज्यादा दिखने लगी थी चीजें और कुछ फील होता था लाइक, तो 505 में सुसाइड हुई गई थी, वो रिलेशनशिप के चक्कर में हो गई थी। तो जब सुसाइड हुई उसके बाद भी कॉलेज नॉर्मल चल रहा था और फिफ्थ फ्लोर भी नॉर्मली चलता था, बट दिक्कत ये हुई कि अगले साल सेम रूम में किसी एक और लड़की ने सुसाइड कर ली सेम रीजन की वजह से। तो वहाँ पे ऐसे दो किस्से हो गए। तो उसके बाद क्या हो गया कि लड़कियों डरने लगी, तो फिर उसको बॉयज हॉस्टल बना दिया गया, लड़कियों को वहाँ से हटा के दूसरे बिल्डिंग बना दिया। तो फिफ्थ फ्लोर पूरा खाली रहता था, और जो 405 है उसके नीचे वाला रूम, वहाँ पे से हमेशा पानी गिरने की आवाज़ आती थी, टप 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 टप, बट जबकि फिफ्थ फ्लोर का पूरा वाटर सप्लाई बंद था फिर भी वहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आती थी। और ये सारी सेम बातें हम कर रहे थे हमारे हॉस्टल में, और हमारा रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है? तो 108 था हमारा, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम था। हमने सोचा कि चलो बात करते, तो जैसे अपन अभी बैठे ना वैसे ही हम भी बैठे हुए थे, हम चेयर वेयर लगा के, और बीच में हमने कैंडल रखी हुई थी ताकि थोड़ा सा माहौल बन जाए, बात करते। तो इमेजिन कि अभी हम बात कर रहे हैं और हम बात करके सो गए, ठीक है? सब सो गए। नेक्स्ट डे सुबह सब कॉलेज के लिए रेडी हो रहे थे, बट मेरी और मेरे रूममेट की क्लास लेट की थी, हमारी क्लास 10 बजे की थी, बाकी सबकी 9 बजे की थी। तो हमने उससे एक दिन पहले सफाई भी करी थी लाइक, तो जितना हमारा परफ्यूम वगैरह ना सब खत्म हो गया था, तो हमने उसको डस्टबिन में फेंक दिया था सब कुछ। और हमारे डस्टबिन कैसा मान लिया पता, वॉश बेसिन है, मिरर है सामने वॉश बेसिन के, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट वो डस्टबिन है। तो और हमारे एक फ्लैट के अंदर, हॉस्टल का जो एक फ्लैट था उसके अंदर 3 रूम्स होती थी, तो 6 लोग रहते थे हम टोटल, एक रूम में 2 लोग, तो बाकी के 2 जो रूम थे वो लोग क्लास चले गए लॉक करके आराम से। अब हॉस्टल का जो लाइक हमारे फ्लैट का मेन डोर है वो अंदर से है बंद। मैं गया हूँ नहाने, मेरा रूममेट ब्रश कर रहा है उसके सामने, तो मेरे को ना गिरने की आवाज़ आती है परफ्यूम की थक करके ऐसे, और मेरा रूममेट बोलता है कि जश मत मार मेरे को। तो मैंने बोला मैंने क्या करा भाई, मैं तो नहा रहा हूँ। तो उसने बोला तूने ही परफ्यूम का ढक्कन फेंक के मारा ना उनको। तो मैंने बोला नहीं भाई मैं तो नहा रहा हूँ लिटरली। और उसने ये देखा कि वो परफ्यूम का ढक्कन उसको पीछे से किसी ने मारा और वो नीचे गिरा हुआ है, जबकि हमको अच्छे से याद है कि वो परफ्यूम का ढक्कन डस्टबिन के अंदर था और वो भी नीचे की तरफ था। रूम के सारे दरवाजे लॉक्ड है और मेन डोर भी अंदर से लॉक्ड है, सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं था उस रूम में, बताओ। और ये चीज हुई हमारे साथ। और इस इंसिडेंट के अगले दिन ये होता है कि हमारी एक आदत है कि हम हमेशा रूम की लाइट्स ऑफ रख के जाते हैं जब भी लॉक करना होता है। तो हम वापस आते हैं अगले दिन, हम ये देखते हैं कि हमारे रूम की सारी लाइट्स ऑन है, फैन ऑन है, लाइट्स ऑन है, सब कुछ ऑन है। हमारा जो टोस्टर था, जो अरे टॉर्च हटा दे, हमारा जो टोस्टर था
तो वो टोस्टर तक ऑन था और वो हीट हो रहा था, तो हमारी गांड फट गई। और फिर उसके और हमने ना फिर सोचा कि भाई, और हम थे देखो हॉस्टल के लौंडों में ना चुल बहुत ज्यादा होती है और हमें भी बहुत ज्यादा, हमने सोचा कि बहन चुप ये क्या हो रहा है, हम जाएंगे दीदी से मिलने फिफ्थ फ्लोर पे। वो हम गए, हम लिफ्ट, हमने लिफ्ट बुलाई, हम फिफ्थ, हमको अच्छे से आधे, हम फिफ्थ फ्लोर का बटन दबाया, हम फिफ्थ फ्लोर पहुंचे, हम और हमको दिखा भी रहा है कि वो फिफ्थ फ्लोर पे हम पहुंच गए। हम जब फ्लोर से बाहर निकले तो मैंने सोचा भाई इधर इतनी सारी लाइट कहाँ पे है, हम देखा हम फोर्थ फ्लोर पे है, फिफ्थ फ्लोर पे पहुंचे नहीं थे, बट जबकि हमने फिफ्थ फ्लोर का स्विच दबाया था और हम निकले भी फिफ्थ फ्लोर, और हम देख रहे कि ये बैच ऑफ फोर्थ फ्लोर, तब हमारी गांड फटी कि नहीं भाई ये तो है, ये तो गलत सीन हो रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। हम फिर हम लिटरली इतने तेज भाग के गए ना सीधा हमारे रूम पे, हम सबकी गांड फट गई, हमने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। और उसके बाद हमको सपने भी ऐसे ऐसे डरावने डरावने सारे, फिर हमने हॉस्टल छोड़ दिया। बोला क्या बात कर रहे बाबा, नहीं अरे नहीं नहीं उसको लेके मत, अभी इस पे डायनोस मर जाएंगे सारे, गए माचू जी। अबे यार जैश मेरे भाई गलत गलत था भाई, एरोस मारो एरोस मारो एरोस मारो एरोस एरोस गया 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 जैश गलत यार गलत जैश नहीं नूब है भाई तू नूब है जैश तू नूब है भाई, ये बहुत पावरफुल होते हैं ये आसानी से नहीं मरते नहीं मर जाएगा मार मार एरोस मारो एरोस मारो एरोस मारो भाई, उसने अभी तो लाया था यार। अबे यार ये कछुआ इतना डैमेज लेता है, इसको मारने बोलना भाई भाई आई एम लोड, वो मार डाला वो अपनी कॉलेज को ये भाई ये आ जा भाई मील खाते हैं अपना A growing up ain't easy, too many things to do weekly, too many thoughts to think deeply, too many thoughts to be sleeping, yeah, oh my god I'm not eating, I feel so empty I'm receding, and all of my friends are misleading, all of these posts and the lives they're leading, yeah.